सभी जनता जानत के चरणों में सर रखते हुए चाल लाने पर गौर देंगे। वो कहना है कि अब मेरा गाना होता है शुरू, कि अब मेरा गाना होता और है शुरू रे, और सब सब शांत चित हो जाइए। छोटे बड़ों से कोई शांति का आज दान हमको चाहिए, क्योंकि पैसा हुआ है खर्च जो यहाँ पैसा खर्च जोरे और अनरतियों का
लुप्त उठा अखिलेश भाई, ये जनता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब रसिया शुरू हो, और इस जनता का विशेष ख्याल करते हुए, क्योंकि ये जनता रात्रि में अपने घर के आनंद को छोड़ करके यहाँ रसिया में आनंद लेने के लिए आई है, तो विशेष ख्याल रखना है इस जनता का, और कहना है कि यहाँ पैसा हुआ है खर्च जो और इन रसियों का लोभ तो उठाइए, अरे ये जनता जीवन भर तक याद रखे आज यहाँ ऐसे रसिया। परम आदरणीय दूर दराज से पधारे हुए समस्त सभी रसिया प्रेमी, जितने भी उस्ताद खलीफा गायक बंधु विराजमान हैं, और ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे नवल सिंह काका जी की तरफ से आया है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी लोग। जितने भी लोग विराजमान हैं और मेरे पिता तुल्य सभी बुजुर्ग लोग, माता बहनें भी इस दंगल को सुन रही हैं, मैं आप सभी के चरणों में बार बार नमन करता हूं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखेंगे ये रस्सियों का विराट मुकाबला, राया से चल करके आए भाई अखिलेश आकाश, और इधर से वृंदावन राजपुर से ये बीदा बाबूजी के शिष्य आप लोगों के मध्य हैं। रसियों की शुरुआत यहीं से हो रही है, आप लोगों के सामने ऐसा जो भी मैटर गाया जाएगा, ऐसा गाया जाएगा जो आप लोगों की समझ में आए। तो रसियों में जो मुख्य चीज होती है काका जी, एक छंद, और वो छंद भी ऐसा गाऊंगा, जो भी गाऊंगा लीला से गाऊंगा, क्योंकि आपके यहां नौटंकियों का ज्यादा ज्यादा मानते हैं लोग नौटंकियों को, तो उसमें ज्यादातर लीलाबंदी का ही काम चलता है। तो देखेंगे एक महाभारत से छंद रखूंगा, जिस समय अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, सातों महारथी सातों द्वारों को घेर करके खड़े हुए हैं, और एक अकेला अभिमन्यु चैलेंज दे रहा है इन सातों के लिए, और देखेंगे कि उधर से ये सातों महारथी किस तरीका से जवाब लेकर के आए। अखिलेश भाई, रसिया तो हमने और तुमने बहुत गाए हैं, लेकिन मेरे छंद की शुरुआत और छंद को पहचानने की कोशिश करना, जैसे मैं गाऊं उस तरीके से ही उधर से छंद आना चाहिए। हाँ साहब, काका जी कहने लगा वो अभिमन्यु, अब इस बात को क्यों कह रहा हूं इकलौ बालक जान के, क्योंकि उधर जितने भी हैं वो सब चाचा ताऊ मामा फूफा सभी खड़े हुए हैं। अरे कोई इकलौ बालक जान के और तुम सब बन रहे हो पलवा, लो बाला
जान के और तुम सब बन रहे हो बलवान। देख आज चक्र व्यूह के बीच में तैयारी करूं केरे केरी कुमार भगाए दूंगो। तुम सारे मिलके जोर लगाए लो और आज सब कुमार भगाए दूंगो। और कोई भी लाइन मेरी तरफ से हो अच्छी लगे या उधर से अच्छी लगे तो केवल तालियों का प्यार देते रहे, क्योंकि कलाकार हमेशा तालियों का भूखा होता है। सबरे मिलके जोर लगा लो और आज सब कुमार भगाए दूंगो। अरे शमशान बनाए दो चक्र व्यूह में, अरे शमशान बनाए दो चक्र व्यूह में और लासन के ढेर जब घर जाऊंगो और जब घर जाऊंगो। अरे तुम सा ए होले तुम सा कौन की करे के ख्वारी जब घर जाऊंगो। जिंदा छोड़ूंगा जो कोई आवे गो संग संगाती और एक न जिंदा छोड़ूंगा। कोई तस नस कर डारूंगो मैं सबको और आज तेरे चक्र व्यूह को तोड़ूंगो।
कह दूं तुमसे कि तुम मेरे चाचा ताऊ हो। अब तक तुमने बड़ो थुकायो और अब कछु कर लो शर्म बुढ़ापे में, और मेरे हाथन ते मारे जाओ आ जाओगे सब हाथ में। माँ साहब एक धुन दिखाओ, क्योंकि जनता को भी आनंद आना जरूरी है। धुन दिखाओ, मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, इन्हें क्या हो गए। दिल की बात बताएं, तुझको राज छुपाएं, इन्हें क्या हो गया है। इधर से एक लल्लू कह रहा हूं, छोटा सा गैर लिमिट के चक्कर में श्री देवी छोड़ चली गई है। जवाब हो जाए तुम कहो तो। गैर लिमिट के चक्कर में श्री देवी छोड़ चली गई है, लेकिन वो बात थी किसकी? पीने की। अब देख मैं क्या कह रहा हूं बेटा, दिमाग से सोचना। पीने वालों खूब पियो, तुम रोज पियो, सुबह शाम पियो। या पीने वाले खूब पियो, तुम रोज पियो, सुबह शाम पियो। और मैं जिसकी कह रहा हूं, मैं जिस चीज की कह रहा हूं कि रोज पियो सुबह शाम पियो, बेटा वो तो गैर लिमिट के चक्कर में चली गई, लेकिन मैं जिस चीज की कह रहा हूं उसको तो आप जितना गैर लिमिट पियोगे उतना ही काम करेगा। जितना गैर लिमिट पियोगे उस चीज को जिसकी मैं कह रहा हूं, तो उतना ही दिन दूने और रात चौगनी। अब दे पीने वालो खूब पियो, तुम रोज पियो सुबह शाम पियो। रोज पियो सुबह शाम पियो, तुम रोज पियो सुबह शाम पियो। पीने वाले खूब पियो, तुम रोज पियो सुबह शाम पियो। रोज पियो सुबह शाम पियो, रोज पियो सुबह शाम पियो। और बेटा ताली देखियो, अरे रोज पियो सुबह शाम पियो, और छुप छुप के पीना ठीक नहीं, पीना है तो खुले। छुप छुप के पीना ठीक नहीं, पीना है तो खुले। और कहना है मेरा तुम सबसे,
तुम छोटे बड़े तमाम पियो। कहना है मेरा तुम सबसे और तुम छोटे बड़े तमाम पियो। और ये राधा रानी का आंगन है बेटा, राधा रानी का आंगन है, छोटे बड़े तमाम पियो। और अरे कोई छोटे बड़े तमाम पियो, और पीना है तो राधा रानी की भक्ति का भक्तो जाम पियो। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। बेटा इसको गैर लिमिट भी पियोगे तभी आनंद आएगा। बंदर की सीजा की सकल है गई है। अरे अरे बंदर, अरे बंदर की अरे बंदर की सी देख ले, और नौ लंगूर तो लग रहा है। अरे बंदर की सीजा की सकल है गई, अरे बंदर किसी जा की सकल है गई। जय हो मेरे अमरीश पुरी। बंदर किसी जा की सकल है गई लोग हसाई, ये कैसे हो गया है, ये कैसे हो गया है। और रसिया तो आप रोज सुनते हो मेरे यूट्यूब पे, और गांव के अंदर ये दंगल हो रहा है। देखिए सभ्यता के दायरे में भी, क्योंकि माता बहनें जो आपकी है वो हमारी भी है, कोई गलत बात नहीं, बढ़िया बढ़िया बातों का रस लेते जाइए। अरे बंदर किसी जग की सकल है गई लोग हसाइए कैसे हो गया है। बंदर किसी जग की सकल है गई लोग हसाइए कैसे हो गया है। और दे जित दो दो बार बन गयो दूल्हा, दो दो बार ज बन गयो दूल्हा जाए, फिर उन्हें मिली लोग आइए कैसे। अरे शर्मा जी नियो ना आए नियो के। अरे दो दो बार ज बन गयो दूल्हा जाए, छोड़ के भज गई जामा ज्यादा कसको है। अरे दो दो बार ज बन गए दूल्हा ने, फिर उन्हें मिली लुगाई, ये कैसे हो गया है, ये कैसे हो गया है। अब मुँह छन्न पहना पहना के गए सब दावत को बरात में, रसगुल्ला मिलेंगे, गुलाब जामुन मिलेंगी, बालू शाही मिलेगी। अब वहां होता क्या है, लौटी बारात जो वापिस, लौटी बारात जो वापिस, तो कावे हो लोग हसरे पढ़ोते गाम के। लौटी बारात जो वापिस, लोग बनात जो वापस, लोग हंस रहे सबरे काम के। याद तो मूछन पहना पहना के, और जब माँ ते वापस आए कहे तो फिर का के रहे, कर्म नाहे अच्छे दीखे, पापी जा दूल्हा नीच हराम के। कर्म अच्छे दीखे, पापी जा दूल्हा।
कंगन रह गयो बंधो बंधायो, कंगन रह गयो बंधो बंधायो, हल्दी रह गई चढ़ी चढ़ाई। ये कैसे हो गया है और जितना दोए दोए पार बन गए दूल्हा फिर उन्हें मिली लो भाई। ये कैसे कोई कह गए वो लच्छी लाला है, अरे ओम वीर शर्मा जराए बारक मुंह पे ठोक दे और आज ताला अली बीधा बाबू गए सुर धाम और पूजे प्रेम बाबा ने के पाम। अरे शर्मा भज भज सीताराम मैं तर जाओ भैया। मैं आप लोगों को ये पूछूंगा, मैं जो गा रहा हूँ तुम्हारी समझ में आ रहा साहब? आ रहा साहब? दिखाए मां साहब एक बैर के माध्यम से। बात पति की नहीं मानी मैंने ऐसी छाटी जनानी चार, कर चुरत हो तेरी कलम में तो लिखियो और अगार, कर चुरत हो तेरी कलम में तू लिखियो और अगार। अरब मानी मानी ना हम मानी बालम किए कहू दिए बादर फार जनानी। ऐसी पहली औरत कौन है सकती है, अरे देखो प्रभु की गंती है, काले से नहीं टल सकती है, देखो प्रभु की गंती है। और आवाज आनी चाहिए, अरे देखो वो प्रभु की गंती है, शंकर ने भी खूब समझाई पर मानी लाए सती है। सब चर गयो पाको का, अरे दिए बादल फार जनानी।
दूसरी ऐसी दूसरी औरत और कौन है। दशरथ के संग पाके कई में खूब ही करो फजीता, और चौथे बरस को पन को भेज दे राम लखन और सीता। ₹51 का पुरस्कार डीके लाइव पॉइंट वालों की तरफ से आ रहा है, जिनका ये कैमरा लगा हुआ है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी लोग। 14 बरस को पन में भेज दे राम लखन और सीता, ए जी है गई के कई जग में विख्यात, और दिए बादल भार जनानी। सात सात फेरों का बंधन देखो वो तोड़ चली गई, सात सात फेरों का बंधन देखो वो तोड़ चली गई। अरे सात सात फेरों का बंधन देखो तोड़ चली गई, और शांतनु ने खूब समझाई पर गंगा छोड़े चली गई। गंगा छोड़ चली गई भैया, गंगा छोड़ चली गई, शांतनु ने तू समझाई पर गंगा छोड़ चली गई, गंगा छोड़ चली। और शांतनु ने खूब समझाई वो गंगा छोड़ चली गई। ए जी बिगड़े बिगड़े है जी बन के सब हालात, और दिए बादर पार जगानी। बैरग बारे पूछ रहे हैं को और भई ऐसी नारी, बैरग बारे पूछ रहे को और भई ऐसी नारी, अरे ऐसी और कौन भई है नारी, और साफ साफ मेरे बताए गए कोई गुरुवर पवन पुजारी। गुरुवर पवन कुमारी भैया, गुरुवर पवन कुमारी शर्मा के सर पे हाथ, अरे दिए बहादुर पार जनानी। अब एक गीत कहानी भी कोई व्यर्थ नहीं, कहानी में से भी और आप लोगों का भरपूर मनोरंजन भी, और मासा धुंध खाओ फूल आहिस्ता फेंको ये फूल बड़े नाजुक होते।